पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर की ओर से आयोजित रामलीला में श्री ब्रज लोक लीला संस्थान वृंदावन के कलाकारों ने अहिरावण वध और रावण वध की लीला प्रस्तुत की। रावण वध के बाद श्री राम की विजय यात्रा निकाली गई। महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में रावण दहन किया गया। स्वामी घनश्याम भारद्वाज के कुशल निर्देशन में कलाकारों ने दिखाया कि अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल में ले जाता है। पूज करने के बाद हनुमान जी पाताल लोक पहुँच कर अहिरावण का वध कर देते हैं। अगले दिन राम और रावण में भयंकर युद्ध होता है। राम तरह तरह के अस्त्रों का प्रयोग करते हैं पर रावण की मृत्यु नहीं होती। तब विभीषण श्री राम को बताते हैं कि रावण की नाभि में अमृत का वास है। इसके बाद श्री राम अग्नि बाण से नाभि का अमृत सुखा देते हैं और फिर रावण का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। इसके बाद रामलीला मैदान में श्री राम की विजय यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज पहुंची। वहां रावण दहन और आतिशबाजी के साथ किया गया। आज रावण के आतंक का अंत हुआ। यूं तो रावण एक था, आज घर घर रावण हैं। फिर भी हम ये मान रहे हैं कि आज रावण का अंत हुआ है और इस रावण के दहन में के बखत इस मुरादाबाद के जिलाधिकारी महोदय, डीएम महोदय और एसएसपी और मुरादाबाद के महापौर, साथ ही इस समिति के जिला मतलब रामकथा मंचन समिति के माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे करके सारी समिति यहाँ पर विराजमान रही। ये पर्व दशहरा का पर्व बहुत सुंदर पर्व है। इस पर असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये भगवान राम ने रावण के घमंड को चूर करते हुए उनका अंत किया और बुराई पर अच्छाई की जीत की। और इस रामलीला कथा मंचन समिति के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से पिछले 29 वर्षों से इसका रामलीला का संचालन किया जा रहा है और रावण के पुतले का दहन कर दशहरा उत्सव बहुत सुंदर तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन है यहाँ पर? यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जिलाधिकारी जिला मुरादाबाद, माननीय एसएसपी साहब मुरादाबाद, माननीय अपर जिलाधिकारी ज्योति सिंह जी, माननीय एसडीएम साहिबा मनी अरोड़ा जी, महापौर महानगर भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री विनोद अग्रवाल जी और सीओ कटघर अन्य अन्य लोगों के साथ उपस्थित रहे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।